बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आज सुबह से एक सोशल मीडिया मुख्तलिफ ग्रुप्स में एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक शख्स जो है जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, फैसलाबाद की पुलिस और इंतजामिया पर इल्ज़ाम लगा रहा है कि क्वारंटीना सेंटर पर इंतजाम मुकम्मल नहीं हैं, और इस हवाले से उसने पाकिस्तान वज़ीर आज़म जो हैं इमरान ख़ान, उनके जो मशीर हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी ज़ुल्फ़ी बुखारी को भी नहीं बख्शा, तो उन्होंने उन पर भी इल्ज़ाम आयद किए। और उसी शख्स की वीडियो जो है BBC 11 हेडलाइन न्यूज़ ने हासिल की है, और उसने अपने तमाम इल्ज़ाम की तरदीद करते हुए क्या कहा, आइए देखते हैं। ये PK 822 जो कल 27 तारीख को दुबई से आई थी यहाँ फैसलाबाद के लिए, तो ये फैसलाबाद जरी यूनिवर्सिटी कैंपस में हम यहाँ ठहरे हुए हैं इकबाल हाल में। तो इसमें सुबह एक गलतफहमी की वजह से एक दो चार साथियों ने ये कहा है जी कि कोई पानी नहीं मिला, कोई इस तरह की बात हो के, तो मैंने खुद जो है ना अपने एक बंधु के सामने वीडियो वायरल कर दी कि पानी नहीं मिला, सिगरेट नहीं मिले, उस पर हमने जो गलत बयानी कर दी है। मैं समझता हूँ कि उस गलत बयानी पर मुझे खुद माजरत करनी चाहिए, इसलिए कि वो बगैर सोचे समझे हमने बात कर दी थी, और बगैर सोचे समझे जो बंदा बात कर देता है वो बड़ी एक गलती है, और गलती पर हम माजरत करते हैं। मैं अभी ये समझता हूँ कि यहाँ जो फैसलाबाद की जो मैंने बात की है, ये फैसलाबाद की जो इंतज़ामिया है, फैसलाबाद के जो BPO साहब हैं या उनके मतहत जितना भी अमला यहाँ काम कर रहा है, जिस कदर उन्होंने सुबह के नाश्ते और पानी, और मैं समझता हूँ कि यहाँ लोगों के लिए एक अपने अदारे लगा के यहाँ जो खिदमत का एक किया है सिलसिला, इस पर मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ फैसलाबाद की पूरी इंतज़ामिया को और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि वो तारकीन वतन के लिए जो एक खाने का इंतज़ाम, पानी का इंतज़ाम और यहाँ जो रिहाइश का इंतज़ाम है, मैं समझता हूँ कि सरकारी तौर पर जिसका कोई पैसा या कोई चीज़ किसी को अदा नहीं की जा रही है, वहाँ मैं समझता हूँ कि एक बंदे को भी अलहदा बेडरूम दिया गया है, और इस तरह अगर कोई दो बंदे की चॉइस थी तो उनको दो का अलहदा कमरा दिया गया, तो ये तो मैं समझता हूँ कि इस तरह VIP किसी होटल में भी शायद 2-4 या 5 हज़ार का कोई रात का दे तो रिहाइश ना मिले जिस कदर यहाँ माहौल मिला है। तो मैं ये दुआ करता हूँ यहाँ की इंतज़ामिया, यहाँ के जो लोकल हैं इंतज़ामिया और यहाँ के जो DPO साहब हैं उनके लिए जिनके मतहत यहाँ फैसलाबाद का ये चल रहा है, कि अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी अमर उम्र में बरकत अता फरमाए, उन्हें दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की और कामयाबी अता फरमाए।